अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पीएसटी और जेईएसटी की टेस्ट प्रिपरेशन में आर्ट साइंस के आर्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चैप्टर नंबर 2 लिविंग थिंग्स, लेक्चर 5, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। चैप्टर नंबर 2 लिविंग थिंग्स। There are two types of living things. Number one, plants, and number two, animals. जानदार चीज़ों की दो कैटेगरीज होती हैं, एक plants और दूसरा animals. हर जानदार को जिंदा रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा कि air, water, and food, यानी हवा, पानी और खाद। कोई जानदार इन तीन चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जिस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक ट्री है जिसे नीचे से सॉइल मिल रही है जो उसकी खाद है, ऊपर से उसे रेन वाटर मिल रहा है, साथ ही सनलाइट और हवा भी एनवायरनमेंट से उसको मिल रही है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है और बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ें इसको प्रोवाइड नहीं की जाएँ तो ये जैसे बेजान हो जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ये सिस्टम है कि वो अपने नस्ल को जिंदा रखने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। आप जानते होंगे कि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक मुर्गी के बच्चे उसकी माँ से मिलते हैं और कैमल यानी ऊँटनी का बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा ही है। इन प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रेड्स कहते हैं। इंसान में ये ट्रेड्स शामिल हैं जिनकी मदद से वो एक दूसरे को और उनके पेरेंट्स को जान सकते हैं। इन ट्रेड्स में उनके बालों का कलर, स्किन का कलर, आइज का कलर, शेप ऑफ नोज, लिप्स वगैरह शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स की आंखें ब्लू हैं तो चिल्ड्रन की आंखें ब्लू होगी। इन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट्स भी कहा जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है जिसमें फर्स्ट स्टेप में एक एग होता है, उसके बाद दूसरे स्टेज में वो एक कीड़ा बन जाता है जिसको कैटरपिलर कहते हैं। फिर थर्ड स्टेज में वो कैटरपिलर कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, और फोर्थ स्टेज में प्यूपा कन्वर्ट होता है और एक मुकम्मल बटरफ्लाई बन जाता है। वैसे ही ये एक फ्रॉग है जिसका लाइफ साइकिल ये बताता है कि फर्स्ट स्टेज में फ्रॉग काफ़ी सारे स्पॉन्स पानी में छोड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो स्पॉन्स टैडपोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि लिविंग स्पीशीज़ हैं, उसके बाद टैडपोल्स फ्रॉगलेट्स में कन्वर्ट होते हैं और लास्ट में वो एक फ्रॉग बन जाता है। एक बी यानी मक्खी का लाइफ साइकिल वो भी कुछ इस तरह का है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में बी एक अंडा छोड़ती है, उसके बाद दूसरे स्टेज में वो एक कन्वर्ट होके लार्वा हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो प्यूपा और आखिर में कन्वर्ट होके वो प्यूपा एक कंप्लीट बी बन जाता है। प्लांट्स में स्टार्टिंग एज में एक सीड ज़मीन में रखा जाता है जिससे उसको खाद मिलती है और वो सीड ओपन होता है। नेक्स्ट स्टेज में सीड ज़मीन से रूट्स बनती और बाहर की तरफ कॉटिलेडन निकलता है, उसके बाद वो कॉटिलेडन कन्वर्ट होता है सीडलिंग में और लास्ट में एक मुकम्मल पेड़ यानी ट्री बन जाता है, जिसमें स्टीम, सीड पॉट, लीफ, फ्लावर्स वगैरह शामिल होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।